History has witnessed the exploitation of a child. They learned how to hold a sickle better than a pencil. Stories of exploitation are just a fairy tale to the privileged. To be able to understand oppression, one must be oppressed. Child labor is a matter of justice, not charity. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इस्मा नाम है। और कितनी उम्र है तुम्हारी? 9 साल का हूँ। सोनू। अच्छा, कितने साल के हो? 11 साल का। 4 बहन है। हम पेन बेचते हैं। सब पेन बेचते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा काम नहीं मिलता तभी पेन बेचा देते। 7 बहन भाई हूँ। 7? क्या क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? वो घर पे ही लेते हैं। अच्छा। मम्मी पापा मम्मी ऑन पर लेती है घर पे, पापा खेल दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? खेल तमाशा। और तुम्हारे भाई बहन भी पेन बेचते हैं? नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो भी जाते काम पे, काम मिलता तो चले जाते। क्या काम मिलता है? जैसे काम मिल जाते हैं तो 100-200 रुपए मिल जाते, कभी काम करके चले जाते हैं। जैसे कौन सा काम? कौन से वो कह जैसा दुकान पे कोई बेचना है, वो गुड्डा वुड्डा बेचने वाला, वही भी काम करते हैं। मैं 100 से बेचता हूँ। सॉक्स कितने का बेच रहा है तू? 100 का। 100 रुपए के 3? हाँ। दिन भर में कितने बिक जाते हैं? दिन भर में ऐसे भिजवाते हैं, बिक जाते हैं 7-8। 7-8 बिक जाते हैं। फिर इन पैसों का क्या करता है? इन पैसों का मम्मी को देता हूँ। अच्छा, तो मम्मी घर चलाती है उससे? हाँ। दिन में? एक दिन में क्या कमाते, 100-200 रुपए कमा लेते बस। 10-12 पेन बिक जाते हैं दिन में? नहीं, 10 पीस, एक पे 10 पेन बिक जाता है। स्कूल? हाँ। मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते भी हो? हाँ। क्या पढ़ाते हैं सेकंड क्लास में? सेकंड क्लास में बहुत कुछ पढ़ाती है। क्या क्या? बहुत कुछ। स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते स्कूल? स्कूल तो हम मम्मी पापा जब पैसा होगा तभी जाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूल भी तो है, इसमें तो फ्री? इसमें नहीं खुला होता, हम जा रहे थे नहीं, वहाँ खुला नहीं होता। मम्मी मना नहीं करती कि काम मत, पढ़ाई कर ले? मैं अपनी आप आता हूँ। अपने आप आता है? मैं जाता भी, पढ़े दे भी हूँ और जे भी बेचता हूँ। पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाना, जब पैसा होगा तभी पढ़ेंगे। बेचूंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? सोनू बड़ा होकर के क्या बनेगा? बड़ा होकर सोनू क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनेगा? हाँ। तुम्हें क्या बनना है? वो बनना है जैसे डॉक्टर। कोरोना में जो है, जब लॉकडाउन वॉकडाउन लगे हुए थे, हाँ, तो तुम लोगों की किसी ने हेल्प करी थी? नहीं करी थी। नहीं करी थी। तो फिर खाना पीना कैसे हुआ था तुम्हारा? हाँ, भूख प्यासे पढ़े थे हम। पढ़ के लिख के दिमाग का आएगा, माँ बाप के बात सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, जहाँ माँ बाप वहाँ बोलेंगे वही काम करेंगे। सरकार तेरी कोई मदद करना चाहे तो क्या मदद होगी जो तू चाहेगा कि ये मदद करेंगे? घर। घर? सोनू के पास घर नहीं है? तो सोनू कहाँ पे सोता है रात को? मैं ऐसी सोता हूँ, मेरी बुआ 3 खाट, उन्हीं पे मैं ऐसे सोता हूँ। तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाना है, बट पैसे नहीं है। मम्मी पापा बोलते थे। मम्मी बाबू क्या बोलते कि जाना है स्कूल? मम्मी पापा बोलते जब पैसा होगा तब जाना है। India is a country of 1.3 billion people, among which 10.1 million people are child labor. Child labor deprives children from the rights to go to school and reinforces intergenerational cycles of poverty. Child labor and exploitation are the results of many factors, including poverty, insufficient budget, lack of implementations of laws, lack of government schools, etc., etc. Economic survey showed India spends only 3.1% of its GDP on education. Ideally, according to the National Policy of Education 1968 recommends, we should spend 6% of our GDP on education.
India ranks 101 among 116 countries in Global Hunger Index. Approx 13,000 of schools are being ordered to shut, while 2,469 schools are already being shut. 42.7 million students are not going to schools right now. Unless our government doesn't focus on the core problems, India would not be able to eradicate the problem of child labor. In this gap between the needs of the world's largest children's population and the world's lowest per child budget that is allocated in India is the story of Indian contribution to GDP. Child labor is preventable through various integrated approaches that strengthens child protection system. Government should ensure universal basic income enough to live satisfactory life. There should be proper maintenance and good budget for child rescue and rehabilitation. There should be speedy trials and investigation within 60 days. A suggestion to government to bring changes into Article 21A, instead of 6 to 14 years of compulsory and free education, it should be 3 to 21 years of compulsory and free education. My question to Indian government is, why have you excluded family enterprises from Child Labour Prohibition Regulation Act 1986? And also, why the amendment has slashed hazardous occupation from 83 to just 3 for children? In the age of having fun and exploring life, they are worried about earning bread. Who is responsible?